नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। सत्याग्रह में आपको उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक हलचल और बड़ी खबर दिखाएंगे। मैनपुरी में जीत पक्की करने के लिए शिवपाल यादव को मनाने के बाद अखिलेश यादव पूरी तरह प्रचार में जुट गए। अखिलेश यादव मैनपुरी में अपने विधानसभा क्षेत्र करहल पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाकर पार्टी के लिए प्रचार करने के निर्देश दिए। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात के बाद पूरा परिवार साथ आ गया है। ऐसे में अब देखना है कि करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कहां सबसे ज्यादा वोट डाले जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। चाचा उनसे भी मैं मिल गया, असली बात यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोट होंगे। शिवपाल यादव 1996 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं और जसवंत नगर से छठी बार जीत दर्ज की है। ऐसे में शिवपाल यादव से टकराव की सूरत में अखिलेश को जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था, इसीलिए चाचा शिवपाल को साथ लाने के लिए गुरुवार को अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ खुद शिवपाल के घर पहुंचे थे। इसके बाद शिवपाल यादव ने भी अपने समर्थकों से मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव का प्रचार करने और उनकी जीत सुनिश्चित करने की अपील की है। और मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सुभाषपा के उम्मीदवार रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज हो गया है। सुभाषपा उम्मीदवार समेत 7 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज हुआ है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद पर्चा खारिज हुआ है। उपचुनाव में अब कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई, सुभाषपा के उम्मीदवार रमाकांत कश्यप का पर्चा खारिज हुआ है और सुभाषपा उम्मीदवार के साथ साथ 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका पर्चा खारिज हुआ है। और एक बार फिर से बात करते हैं मैनपुरी की। सिर्फ सफाई नहीं बल्कि भाजपा भी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरा जोर लगाए हुए है। इसीलिए भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले जसवंत नगर में पार्टी कार्यालय खोल दिया है। भाजपा ने समाजवादी पार्टी को उसी के किले में घेरने के लिए अपने यादव छत्रों को मैदान में उतार दिया है। इस मौके पर पूर्व विधायक और शिवपाल के करीबी रहे हरिओम यादव ने कहा कि शिवपाल और अखिलेश की मुलाकात पर कहा, जो दिखता है वो होता नहीं है। चाचा जी का परिवार की तरफ से आशीर्वाद हमेशा रहेगा, राजनीति की तरफ से आशीर्वाद इसलिए रहेगा कि चाचा जी का बहुत अपमान हुआ शिवपाल सिंह जी का, कहने में करने में बहुत अंतर होता। जसवंत नगर में भाजपा दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर यूपी सरकार में मंत्री गिरीश यादव भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि मैनपुरी में भाजपा समाजवादी पार्टी को हराने जा रही है, इसी डर से किसी उपचुनाव में प्रचार नहीं करने वाले अखिलेश यादव मैनपुरी में घूम रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है और किसी की परंपरागत सीट नहीं है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव वोटर है, जो हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा को भी यादव समाज के वोट हासिल हुए, इसीलिए इस बार भी भाजपा मैनपुरी में सपा के यादव वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई है। अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। राहुल गांधी की अगुवाई में जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो वहीं उनकी पार्टी में ही एकता नजर नहीं आ रही, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर से सिर्फ टवल खुलकर सामने आने लगी है। एक तरफ जहां उत्तराखंड में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी में जुटी है, तो वहीं पार्टी के अंदर ही गुटबाजी और नेताओं के बीच कलह साफ दिखी जा रही है और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह अलग राह पर जाते दिख रहे हैं। कुछ वक्त पहले चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने सचिवालय कूच का ऐलान किया था, लेकिन पार्टी संगठन इस बात से अनजान है। मेरी अभी तक उनसे कोई इस विषय पर बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि मैं लगातार भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त था। खबरों के माने तो अभी तक प्रीतम सिंह भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर हुई बैठक में भी नहीं पहुंचे। हालांकि हरीश रावत ऑल इज वेल कह रहे हैं। हमने करण मेहरा जी को सुझाव दिया है कि एकाध कोई बड़ा वाला बड़ी वाली गाड़ी बनाएं और उसमें हम सब लोगों को खड़ा करें और आपको दिखाएं। बेशक हरीश रावत पार्टी में दो फाड़ से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के बीच तनातनी लंबे वक्त से जगजाहिर होती नजर आई है। उत्तरकाशी के स्याबा गांव में छात्रों ने सड़क नहीं होने पर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया।
सड़क की मांग को लेकर हो रहे इस आंदोलन में छात्राओं की आंखों से आंसू निकल पड़े। उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के सियाबा गांव के लोग अपने क्षेत्र में सड़क की स्थिति देखकर छात्र नहीं गांव वाले भी परेशान हैं। सड़क की मांग को लेकर मजबूरन छात्रों ने आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा। सड़क के लिए किए जा रहे इस आंदोलन की अगुवाई छात्राएं कर रही हैं। सियाबा गांव के लोग रोड की मांग को लेकर आज जो कि यहां पे खड़े हैं, और मैं आपको ठीक दिखा सकता हूं, ये बच्चे हैं, ये मनेरी इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हैं, लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दरअसल सड़क नहीं होने से बच्चों को जंगल के रास्ते 8 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता है, जिसमें कभी जंगली जानवर तो कभी आपदाओं का सामना करना पड़ जाता है। छात्र इतने परेशान है कि आप बीती बताते हुए उनकी आंसू निकल गए। मोदी जी की ये स्कीम है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम इस बात पे विश्वास ही नहीं करते कि सर ये बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ेगी बेटी, बेटी कहाँ से पढ़ेगी, जब रोड ही नहीं होगी तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी। सरकार को अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सपना पूरा करना है तो इन आंसुओं का स्थायी हल निकालना होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया। मैनपुरी उपचुनाव प्रचार में डिंपल यादव के प्रचार के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो भाजपा पर राम के नाम का सौदा करने का आरोप लगा दिया। मोदी जी आए हैं राम को लाए, जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुए थे, राम थे ही नहीं, राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद जी को उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और निश्चित रूप से उस बयान के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्हें जाके अपने उस विधानसभा में जाके देखना चाहिए जहां की जनता ने उन्हें नकार के बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पहले भी साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश की पूजा करने पर विवादित बयान दिया था। तो मैनपुरी उपचुनाव के तेज होते प्रचार के साथ ही भाजपा और सपा के बीच जुबानी जंग भी अब तेज होती जा रही है। सपा नेता और पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर ये कहते हुए कटाक्ष कर दिया कि जो व्यक्ति खुद अपने क्षेत्र में चुनाव हार गया हो उसे नैतिकता के नाते दूसरों की हार और जीत के बारे में नहीं बोलना चाहिए। केशव मौर्य जी जो खुद अभी हार के आए, जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा हार गया हो, क्या आपको लगता है कि उसे भाषण देने की नैतिक रूप से जरूरत है? केशव प्रसाद मौर्य ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर बयान दिया था कि मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे मैनपुरी में बिना प्रचार के ही जीत जाते थे, लेकिन उनके निधन के बाद अब मुलायम सिंह यादव की सीट बचाने के लिए पूरे परिवार को प्रचार के लिए उतरना पड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी भारी अंतर से जीत रही है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामपुर और आजमगढ़ जैसे ही सपा के गढ़ मैनपुरी को भी भाजपा ढहा देगी, जिसके जवाब में उदयवीर सिंह ने कहा कि मैनपुरी सिर्फ गढ़ नहीं है बल्कि मुलायम सिंह यादव का घर भी है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का घर है, पूरा क्षेत्र नेताजी का गढ़ है। मैनपुरी में उपचुनाव के लिए मतदान होने में 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन उसके पहले ही सपा और भाजपा नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष और हमले तेज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को घेरने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली, जिसके लिए भाजपा ने चक्रव्यूह तैयार किया है। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री धर्मपाल सैनी जल्द मैनपुरी में डेरा डालने वाले हैं, तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, गिरीश चंद यादव, राकेश चचान, असीम अरुण, योगेंद्र उपाध्याय, जयवीर सिंह, सांसद रामशंकर कठेरिया, राजवीर सिंह और सांसद सुब्रत पाठक को मैनपुरी में जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, पंकज चौधरी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी से संजय निषाद भी प्रचार करेंगे। तो रामपुर के लिए भाजपा ने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, धर्मपाल सिंह, जितेंद्र प्रसाद, राज्य मंत्री बलदेव सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तैनाती कर दी गई है। तो खतौली में राजकुमारी सैनी के समर्थन में भाजपा ने राज्य मंत्री जसवंत सैनी और सोमेंद्र तोमर के साथ साथ ब्रजेश सिंह को तैनाती दी है। भारतीय जनता पार्टी भारत में रहने वाली सभी जनता की पार्टी है, व्यक्ति की पार्टी नहीं है। इसलिए अब समुद्र में मिल जाएंगे तो समुद्र का ही जल कहलाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव में मदन भैया को हराने वाले नंद किशोर ने कहा है कि मदन भैया फिर चुनाव हारेंगे।
गाजियाबाद की लोनी सीट से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि मुजफ्फरनगर की खदौली विधानसभा में भाजपा का परचम लहराएगा। आज एक शानदार माहौल है तो लोग ये चाहते हैं कि कंटिन्यू सरकार रहे, और उपचुनाव में तो लोग ऐसे भी ये सोचते ही हैं स्वाभाविक रूप से कि भाई किसी को दूसरे विपक्ष को बनाएंगे तो डेवलपमेंट कैसे होगा, तो इस कारण से भी तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। मदन भैया और नंदकिशोर गुर्जर दोनों ही गुर्जर समाज से आते हैं और 2022 में गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर दोनों नेताओं की टक्कर हुई थी जिसमें मदन भैया को हार का मुंह देखना पड़ा था। हालांकि आरएलडी और सपा गठबंधन ने मदन भैया को एक और मौका देते हुए खदौली से टिकट दिया, जिन्हें हराने के लिए नंदकिशोर गुर्जर भी खदौली जाकर प्रचार करना चाहते हैं। और ऐसी सरकार ना आई और ना भविष्य में आ पाएंगे कहीं मुझे लगता है, इसलिए लोग सब समझदार हैं और वहाँ का व्यक्ति तो बहुत पॉलिटिकल है, इसलिए कोई संदेह नहीं है। वहीं मदन भैया को बड़ी राहत देते हुए खतौली के रिटर्निंग ऑफिसर ने मदन भैया का नामांकन निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। खतौली में एक शख्स ने मदन भैया पर अपने हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन अधिकारी से मदन भैया का पर्चा रद्द करने की मांग की थी। वहीं कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और अरसे से अंदर खाने से एक दूसरे के काट करने वाले नेताओं की लड़ाई खुलकर सामने आ गई। कानपुर के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज आमने सामने आ गए। कानपुर से भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी और उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के बीच लिटर वॉर शुरू हो गया। 18 नवंबर को होने वाली दिशा की बैठक पर कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी और अकबरपुर से सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने सवाल खड़े किए और नियमों का उल्लंघन बताया, साथ ही बैठक को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की बात कही। तो विधानसभा अध्यक्ष ने महानगर के विकास की समीक्षा बैठक बुलाने को अपना अधिकार बताया। मैंने इस बैठक को मीटिंग करी थी, सारे माननीय विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, किसी कारण से हो सकता है कोई व्यस्तता के कारण ना आयो, मैं जिस मुद्दे से आया हूँ, कभी कभी मैंने अकेले भी मीटिंग करी है, कोई भी नहीं आया। भाजपा के दिग्गज नेताओं की लेटर वार के बीच विपक्ष ने भी चुटकी ली है। आपसी जब मतभेद सामने आ रहे तो संसदीय परंपराओं का याद आ रही है, संसदीय परंपराएं अपनी जगह होंगी। विधानसभा अध्यक्ष और दोनों सांसद देवेंद्र सिंह भोले और सत्यदेव पचौरी के बीच खींचतान नई नहीं है। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नक्सल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अब्बास अंसारी को ईडी ने जिला जज की कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद अब अदालत ने अब्बास अंसारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और अब अब्बास अंसारी 1 दिसंबर तक जेल में रहेगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास पर शिकंजा कस गया है। ईडी ने 2 हफ्ते की कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद संतोष राय की अदालत में अब्बास को पेश किया था, लेकिन आगे कस्टडी मांगने पर अब कोर्ट ने अब्बास को सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर को गाजीपुर से ईडी ने अब्बास को गिरफ्तार किया था, 5 नवंबर से अब तक ईडी की कस्टडी में था। ईडी ने कस्टडी में अब्बास से काफी जानकारी जुटाई। अब अब्बास 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। अब्बास का मामा सरजील रजा उर्फ आतिफ भी कस्टडी में है। 22 नवंबर तक सरजील रजा ईडी की कस्टडी में रहेगा। मुख्तार के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ईडी ने पूछताछ की है। दरअसल मार्च 2021 में ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, तब से लगातार कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में निधि गुप्ता हत्याकांड में फरार आरोपी सुफियान को पुलिस ने एक मुठभेड़ में पकड़ लिया। पुलिस एनकाउंटर में सुफियान के दाएं पैर में गोली लगी है, उसे KGMU के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। सुफियान और उसका परिवार मंगलवार घटना के बाद से फरार था। आज सुबह पुलिस को उसके बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी कर उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख सुफियान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई, जिसमें सुफियान घायल हो गया। शुक्रवार सुबह ही पुलिस कमिश्नर ने सुफियान पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। जिन्हें नहीं भा रहा है, जो तथ्य हैं वो सामने आए हैं और वो अत्यंत ही जो है अमानवीय और क्रूर तथ्य सामने आ रहे हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। हमेशा सरकार इस पक्ष की रही है और अभी भी आगे ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निधि को 4थी मंजिल से फेंककर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कड़ी सजा देने की बात की है। सुफियान पर आरोप है कि उसने निधि पर जबरन धन परिवर्तन करने का दबाव बनाया और नहीं मानने पर उसे 4थी मंजिल से धक्का दे दिया। और अब उत्तर प्रदेश के बाद देखते हैं देश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी घमासान। तो हिमाचल के बाद अब गुजरात में भी योगी की डिमांड बढ़ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में प्रचार शुरू कर दिया है।
दरअसल सीएम योगी गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए एक हफ्ते के दौरे पर गुजरात में डेरा डाल चुके हैं, जहां आज तीन जिलों में उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। सबसे पहले सीएम योगी ने मोरबी जिले की वांकानेर विधानसभा में रैली की, फिर उसके बाद भरूच और सूरत में भी जनसभाएं की। यहां उन्होंने गुजरात मॉडल की तारीफ की। गुजरात मॉडल एक प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुए अनेक उन नवाचारों का उदाहरण है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुजरात ने स्थापित की। वही गुजरात में सीएम योगी की रैली में बुलडोजर की धूम भी दिखी। भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर पर झूमते नजर आए। साथ ही सीएम योगी अपनी रैलियों में अयोध्या, काशी, मथुरा का जिक्र करते हुए विरोधियों पर तीखे हमले करते हुए नजर आए। दरअसल एक हफ्ते में सीएम योगी गुजरात में 30 से ज्यादा जनसभा कर सकते हैं। उत्तर भारतीयों की आबादी वाले विधानसभा क्षेत्रों पर नजर। पिछले चुनाव में 35 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया था। जिन 35 जगह प्रचार किया उनमें से भाजपा 20 सीटों पर जीती थी। इस बार गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भोजपुरी सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने गुजरात चुनाव के लिए रैप सॉन्ग गाया, जिसके बोल गुजराती और भोजपुरी भाषा में मिले जुले हुए हैं। रवि किशन शुक्ल, सांसद गोरखपुर, गुजरात माँ, ए बापा, गुजरात माँ चुंटणी आवी गई छे। इस गाने में रवि किशन अपने अंदाज में बताते हैं कि गुजरात माँ मोदी छे और पूरा गाना इसी के इर्द-गिर्द घूमता है। गाने में पीएम मोदी की ईमानदारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ उनकी नीति के साथ गुजरात के विकास, गांधी, सरदार पटेल की विरासत, सोमनाथ द्वारका का जिक्र है। साथ ही गाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा और अहमदाबाद में पीएम मोदी के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ किए गए नमस्ते भारत इवेंट को प्रमुखता से दिखाया गया है। भ्रष्टाचार विरोधी गुजरात भाजपा को उम्मीद है कि ये गाना गुजरात में रह रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की जुबान पर चढ़ जाएगा। इसके पहले भी रवि किशन यूपी इलेक्शन में भाजपा के समर्थन में गाने गा चुके हैं। उस समय भी गाने की खूब चर्चा हुई थी। इधर दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जंग तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच भाजपा ने स्टिंग ऑपरेशन जारी कर सियासी भूचाल ला दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्टिंग मास्टर का स्टिंग हुआ है और स्टिंग मास्टर के स्टिंग में आप देखिए मनीष सिसोदिया जी गड़बड़, सत्येंद्र जैन जी का तो बेल कल फिर से रिजेक्ट हो गया है। भाजपा का दावा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन दिवाली का है, जिसमें केजरीवाल के करीबी और आप नेता मुकेश गोयल ने अधिकारियों से रिश्वत मांगी है। जेई से 1 करोड़ की रिश्वत मांगने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, भाजपा ने आम आदमी पार्टी को ठगों की पार्टी करार दिया है। तो मैं तो ये वीडियो जब देख रहा था, बॉलीवुड के किसी पिक्चर से कम नहीं। ये डॉन बैठ करके जिस प्रकार से सौदा करते थे ना कि इतना खोखा लेके आना, नहीं तो ये ऑफिसर तुम्हारी शामत आने वाली है। दरअसल जैसे जैसे एमसीडी चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जंग दिलचस्प होती जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के 250 वार्डो में 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने भारत के लिए नए युग की शुरुआत कर दी है। अब देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, जिसने सुबह 11:30 उड़ान भरी। करीब 545 किलोग्राम के इस रॉकेट को स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है, जिसका नाम भारत के इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। जबकि स्काई रूट एयरोस्पेस ने अपने पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया है। विक्रम एस रॉकेट को पहले 15 नवंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे 3 दिन बाद प्रक्षेपित किया गया। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। रॉकेट लॉन्चिंग के दौरान इसरो की टीम के साथ केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने इस रॉकेट लॉन्च को ऐतिहासिक बताया। विक्रम एस रॉकेट अपने साथ 3 पेलोड्स भी ले जा रहा है, जिसमें एक विदेशी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने अंतिम दौर में है। अब बहुत जल्द भगवान बद्री विशाल के कपाट भी बंद होने वाले, जिसे लेकर जोरों से तैयारियां चल रही हैं। कड़ाके की ठंड के बीच कपाट बंद करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम पर कपाट बंद करने से पहले पूजा अर्चना का दौर जारी है। दरअसल बाबा बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। उससे पहले पंच पूजा के चौथे दिन मां लक्ष्मी को निमंत्रण दिया। हालांकि पंच पूजा के तीसरे दिन खड़क पुस्तक वेद पुस्तक बंद हो चुकी है, साथ ही वैद्य ऋचाएं पढ़ना भी बंद किया जा चुका है। अब कल दोपहर 3:35 पर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि इस धाम के कपाट 8 मई 2022 के दिन रविवार को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और हर बार की तरह बर्फबारी को देखते हुए कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि अभी तक बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ धाम में पहुंच रही है। धार्मिक मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु का वास है और भगवान नारायण ने खुद बद्रीनाथ धाम की स्थापना की थी, जहां पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद पहली तस्वीर सामने आई है जो बेहद खूबसूरत है, जिसमें हेमकुंड साहिब बर्फ के आगोश में समाया है। यहां लगातार हो रही बर्फबारी के चलते धाम में 4 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बर्फ जमी है। ठंड के कारण यहां हेमकुंड सरोवर भी बर्फ में तब्दील हो गया है। उधर आस्था पथ पर भी कई किलोमीटर तक बर्फ ढका हुआ है। 15,225 फीट ऊंचाई पर स्थित सिखों का इस सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ कपाट बंद होने के बाद अब मनमोहक नजारा है। बीते दिनों हुई बारिश बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब के प्राकृतिक सौंदर्य में और निखार आ गया है। यहाँ रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच गया। आपको बता दें कि पिछले महीने 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए थे और इस बार यहाँ लगभग 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में दर्शन किए, लेकिन अब यहाँ बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हेमकुंड के चारों तरफ चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी है और तापमान 0 से नीचे जा चुका है। इसके अलावा पहाड़ों पर ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग अलाव के सहारे ले रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जोशीमठ से, जहां पर पल्ला जाखोला मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है। 700 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है। वाहन में 14 लोग सवार हुए थे, ये प्राथमिक जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर जोशीमठ से, पल्ला जाखोला मोटर मार्ग पर ये बड़ा हादसा हो गया है। 700 मीटर गहरी खाई में ये गाड़ी गिर गई और हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर फिलहाल अभी तक मिली है। आपको बता दें कि वाहन में 14 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनमें से 11 लोगों की मौत की खबर फिलहाल मिल रही है। खाई में ये गाड़ी गिरी, रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। मौके पर जो रेस्क्यू टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल किया जा रहा है। जो लोग हैं उन्हें बचाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। तो बेहद ही विभत्स तस्वीरें, इसलिए हमको धुंधला करके आपको दिखाना पड़ रहा है। जोशीमठ में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर पल्ला जखोला मोटर मार्ग पर हादसा हो गया। 700 मीटर गहरी खाई में गाड़ी गिर गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।